हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल में और मैं सौरभ पांडे। देखिए, जैसा कि आप सबका यूपी टीटी का जो पेपर था फाइनली वो हो गया, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन है। देखिए, दो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक मेरी नज़र में जो है। फिलहाल ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, फिर भी मैं एक होप आप सबको दे रहा हूँ। एक जो हिंदी में क्वेश्चन है ना, चील वाला और सरसों वाला, उसमें मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि चील के लिए नंबर मिलेगा, कंफर्म। इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आप लोग देख लेना। तो अगर आप लोगों ने सरसों में नंबर जोड़ रखा है तो उसे आप लोग घटा लीजिए, पक्की बात मैं कह रहा हूँ। और अगर चील पर नंबर नहीं मिला, मेरे पास दो तीन साक्ष्य हैं, बहुत सॉलिड साक्ष्य हैं कि चील पुल्लिंग है और जिनको मतलब मानना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि उस क्वेश्चन में जो नंबर आएगा वो चील के लिए ही आएगा ऑफिशियल आंसर की में, ठीक है, नंबर वन। नंबर दो बात, एक क्वेश्चन है पर्यावरण में, आप देखे होंगे कि धारा 356 का पहली बार इस्तेमाल कब किस सन में किया गया था, है ना। तो उसमें क्वेश्चन वो थोड़ा सा अजीब है। आप लोग एक बार धारा 356 का इस्तेमाल भारत में आप देखेंगे तो आपको 1951 में भी मिल जाएगा, है ना, जो पंजाब वाला हुआ था। तो इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन भी एक विवादित है, जिसमें मतलब 1959 को केरला माना जा रहा है, ठीक है, और आंसर की में वही आएगा, केरला के लिए आएगा। लेकिन धारा 356 निम्नलिखित में से वो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पूछने में गलती हुई है, ठीक है। तो इसके चांसेस बन रहे हैं, जैसा कि कल डिस्कशन हुआ कि अगर आंसर की आती है पहले हम लोग देख लेंगे तो एक होप बन रही है ना, कि एक दो क्वेश्चन होते हैं जो विवादित हो जाते हैं हर परीक्षा में आयोग से। तो कल हम लोग विकिपीडिया पे कई किताबों पे सर्च कर रहे थे, तो धारा 356 का आप लोग भी देखिएगा कि आपको अगर धारा 356 का इस्तेमाल 1959 से पहले कहीं मिल रहा है तो आप उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पर आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 1956 जम्मू कश्मीर था आई थिंक, और 1959 था केरला। तो केरला को वो लोग जहाँ तक है मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो 1956 में नहीं हुआ था। तो कुछ ऐसी चीज़ें यूपी टेट के इस बार के एग्ज़ाम में। फाइनली अगर बात करूँ तो पेपर यार बहुत सही था, लेवल का था। क्वेश्चन कहाँ से आए थे आपको पता है? क्वेश्चन जो आए थे वो आए थे NCERT के पैटर्न से, मतलब NCERT की जो किताबें थी अगर उनको जिसने पढ़ा था, पर्यावरण वगैरह की किताबें, ये बिल्कुल SCERT पैटर्न बिल्कुल नहीं था। तो अगर आप सोचे कि NCERT पैटर्न और SCERT पैटर्न में यही डिफरेंट होता है, थोड़ा क्वेश्चन जो थे वो साइंस ओरिएंटेड थे, पर्यावरण, इको फ्रेंडली, गैसेस, प्रदूषण, इनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बना था पेपर में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग देखेंगे कि इस बार के 2019 वाले पेपर में, और ये पेपर बता रहे कि साउथ साइड के एग्जामिनर जो है बनाए थे। अब डोंट नो कि यार ये कितना सही है या क्या है, बट आज की हकीकत जो है वो यही है कि भाई आप लोगों ने जो पेपर दिया था, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि गणित और पर्यावरण अब तक का सबसे टफ लेवल था। किसी भी परीक्षा में इतना कठिन गणित और इतना कठिन पर्यावरण किसी भी पेपर में नहीं पूछा था। तो फिलहाल ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करते हैं, और जिनका भाई एकदम बढ़िया स्कोर बन रहा है उनको बहुत बहुत बधाई इस रिज़ल्ट में। हालांकि जो लोग पहले से क्वालिफाई हैं या जो सीटेट क्वालिफाई है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीएड धारकों के लिए बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे DSSSB हो गई, BEO चल ही रहा है, जूनियर लेवल की आ रही है जो 4000 भर्ती, उसमें BEd BTC। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है, है ना, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसका लाभ लीजिए एकदम बढ़िया से, और ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, फिर बताते हैं कि क्या चीज़ कितने पानी में। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर विवादित होंगे, तो एक बार इंतज़ार करिए 25 जनवरी को, ठीक है, सॉरी 25 नहीं, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो आज 9 है, 6 दिन और रुकते हैं ऑफिशियल आंसर की, देखते हैं, फिर देखते हैं ऑब्जेक्शन होगा। और भाई जो चीज़ सही है उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। लेकिन जिन प्रश्नों में आपको लगता है कि आपके पास पुख्ता साक्ष्य हैं, सही साक्ष्य हैं, और जिनके विकल्प आप बदला सकते हो, तो उसके लिए ज़रूर आपको मतलब बताया जाएगा, देखा जाएगा, मिलजुल के विश्लेषण किया जाएगा आप सभी के सहयोग से। एग्जाम मास्टर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा के रखेंगे तो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना। बाकी हम लोगों का डिस्कशन एज यूजुअल चलता रहेगा, क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू होंगी। थैंक यू।